इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सूत्रों की माने तो वो टिकटों के बंटवारे से नाराज हैं। पंजाब के उम्मीदवारों को टिकट बांटने को लेकर विवाद को ही इस्तीफे की वजह माना जा रहा है और इस मामले को लेकर आज विजय सांपला अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। विजय सांपला अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं पहले भी और ये कह चुके हैं कि पार्टी की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे थे उसमें उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो नाराज थे। दिल्ली में आज वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। हिमांशु, विजय सांपला का ये इस्तीफा बड़ा झटका माना जा सकता है पंजाब में बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल, जो उन्होंने इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेजा है उसके बाद कल रात को पार्टी अध्यक्ष ने उनसे बात की और उनको कहा कि वो दिल्ली आए और बात करें। उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। बीजेपी जानती है कि पंजाब के अंदर अगर इस तरीके से हुआ तो कहीं ना कहीं इसका माहौल जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी बिगड़ेगा और उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। विजय सांपला दिल्ली आ चुके हैं, उन्होंने अभी अपने सीनियर मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है उनके घर पे और वहां से निकलकर वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। नया बड़ी बात यह है कि अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। सब देखना होगा कि पार्टी उनको मनाने में कामयाब होती है या नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सोम प्रकाश जो पगवाड़ा से जिसको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर संघ के नेताओं तक पे 75 केस किए हैं, इसलिए वो नाराज हैं। और उनका ये मानना है कि अगर कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस तरीके से खिलाफत करता है तो जो है उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा और ऐसे जो बागी हैं उनको टिकट दे के पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी को लेकर उन्होंने अपना विरोध पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर सभी को दर्ज करा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस्तीफा जरूर भेज दिया है अमित शाह को विजय सांपला ने, लेकिन अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। मान मुनव्वल का दौर जारी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं पंजाब में घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जहां इस्तीफा देकर चौंका दिया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से यह ऐलान किया है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा जहां वो पूरी तरह से जीत के इरादे से उतरेंगे। इतना ही नहीं, अमरिंदर ने बादल को उनकी ही सीट से हराने की चुनौती भी दे डाली। वहीं सिद्धू भी आज स्वर्ण मंदिर जाएंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कैसे चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह ने इमोशनल दांव खेला और बोला कि यह उनका आखिरी चुनाव है। वहीं बादल को भी चुनौती देने से वो नहीं चूके। डर नहीं, मैं पहला ये तो मेरा घर है, मैं इतो सियासी जीवन अपना शुरू किया और इतो ही खत्म करूंगा। मेरी लास्ट इलेक्शन है उथे, मैं ओदे बंदा बनाना उन्हों, बस इना फर्क है। वो जरा बंद ने लुक लिया पंजाब, जेडे बंद ने तबाह करता पंजाब, उन्होंने सबक सिखा पा। इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।